जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? सो कभी आप लोगों ने सोचा है कि म्यूजिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जिसको सीखने के बाद आप लोग हर चीज को बड़े आराम से सीख सकते हैं? जैसे कि हमारी जो लैंग्वेजेस होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है अल्फाबेट्स। अगर हम लोग अल्फाबेट सीख जाते तो उससे हम लोग सारी चीज ड्राइव कर सकते हैं। वैसे ही हमारे म्यूजिक में एक चीज होती है, जिसे हम कहते हैं मेजर स्केल। अगर आप लोगों को मेजर स्केल आती है तो हर एक चीज रिलेशन रखती है मेजर स्केल के साथ, चाहे फिर आप लोग कॉर्ड्स कहें, चाहे आप लोग आर्पेजियोस कहें, या फिर कोई भी चीज आप लोग स्केल्स भी प्ले करें अलग अलग टाइप के, वो सब भी मेजर स्केल से ही एक तरीके से ड्राइव होते हैं। तो क्यों ना हम इस मेजर स्केल को मास्टर करें? तो मेजर स्केल को मास्टर करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो बेस्ट तरीका है वो है 3 नोट पर स्ट्रिंग। अब 3 नोट पर स्ट्रिंग में पहले ही मैं एक वीडियो ला चुका हूँ जो कि करीब 40 मिनट की और बहुत बड़ी वीडियो है और बहुत कुछ सीखने के लिए है उसमें। उसका लिंक आप लोगों को प्राइवेट बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को प्लीज पहले देख लेना, बिकॉज ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है? अगर आप लोगों को वो वीडियो नहीं आती होगी तो ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आने वाली। सो प्लीज वाला लेसन देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। अब हम लोग बात करने वाले कि आज के लेसन में हम लोग क्या करने वाले हैं। पिछले वाले लेसन में हम लोगों ने बात की थी कि 3 नोट पर स्ट्रिंग होता क्या है और कैसे हम उसे वर्टिकली प्ले करते हैं। जैसे कि अगर हमारा हम लोग फर्स्ट शेप प्ले करते थे जो कि होता था 176 का, तो हम लोग उससे मेजर स्केल प्ले करते थे फर्स्ट नोट्स लाइक दिस, ठीक है? ये मेजर स्केल है वर्टिकली फर्स्ट शेप से। ऐसे सेकंड शेप होता था, ऐसे थर्ड शेप, फोर्थ शेप, बट सारी चीजें वर्टिकल जा रही थी। तो अगर हम लोग कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं और उसमें अगर हम लोग स्लाइड मार देते हैं और शेप से बाहर आ जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? ये फ्रीडम हमें देता है 3 नोट पर स्ट्रिंग, बट इसको सोचने के लिए आप लोगों को एक माइंडसेट चाहिए, जिसको आज मैं आप लोगों को, मतलब वो जो इमेजिनेशन है वो आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो इस लेसन को ढंग से देना, बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 नोट पर स्ट्रिंग को कैसे हम लोग हॉरिजॉन्टली प्ले करते हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को एक हल्का सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ एफ मेजर स्केल का, जो कि मैं प्ले करूंगा हॉरिजॉन्टली लाइक दिस। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे मैंने हॉरिजॉन्टली पूरा एफ मेजर स्केल प्ले करा। बेसिकली मैं क्या प्ले कर रहा था, सा रे गा मा पा धा रे गा मा पा धा नी गा मा पा धा नी सा दा 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 दा। अगर आप लोगों को वर्टिकल रिलेशन आता है और हॉरिजॉन्टल रिलेशन आता है तो फिर आप लोग चाहे कितनी स्लाइड मारे आप लोगों को पता होगा कि आगे आप लोगों को क्या प्ले करना है, ठीक है? तो इसीलिए आज ये लेसन लेके आया हूँ। ढंग से इस लेसन को देखना और पूरा एंड तक देखना। अगर आप लोगों ने ये वाला लेसन और इससे पहले वाला लेसन जो कि पार्ट फर्स्ट है, ये दोनों अगर ढंग से कर लिए और प्रिपेयर कर लिए कुछ दिन की मेहनत करके, तो मेजर स्केल आप लोग मास्टर कर सकते हैं। और जब मेजर स्केल मास्टर हो जाता है तो म्यूजिक बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं लेसन, बट उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं मारा तो प्लीज सब्सक्राइब मार दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पर लाते रहता हूँ और ऐसी वीडियोस आप लोगों को और हिंदी चैनल्स पर नहीं मिलेंगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर मानना। और मेरा एक गिटार कोर्स भी, अगर आप लोग ऐसे गिटार से जो हल्का फुल्का कॉर्ड्स प्लेइंग करने आती है, हल्का फुल्का स्ट्रमिंग प्ले कर लेता है, बट रियली में वो आप समझ नहीं पा रहे कि उसे आगे क्या प्ले करना और कैसे एक अच्छा गिटारिस्ट बनना है, तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। आप लोगों को सब्सक्राइब बटन के साइड में ज्वाइन बटन मिल जाएगा, उसमें क्लिक मार के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 199 रुपीज पर मंथ का वो कोर्स है और वर्थ है। अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो वहां पर करीब मैं अभी तक 66 वीडियोस डाल चुका हूं और आगे भी मैं डालते रहूंगा, और सारी वीडियोस एकदम परफेक्टली मैंने सिंक्रोनाइज करके रख रखे हैं, जिससे आप लोग एक बिगनर गिटारिस्ट से अच्छे खासे इंटरमीडिएट से ऊपर लेवल तक आराम से जा सकते हैं। अगर अभी तक भी जो वीडियोस है वो भी अगर आप लोग देख लेते हैं, ठीक है? तो अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन क्लिक मार के। आज के लेसन की बात करते हैं और बात करते हैं 3 नोट पर स्ट्रिंग के बारे में। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं गिटार फ्रेटबोर्ड के क्लोजअप लुक में, जिससे आप लोगों को सबको साफ दिखाई दे जो भी मैं अभी प्ले करने वाला हूँ यहाँ पे। अब आप लोगों को एक चीज समझना जरूरी है कि आप लोगों को लग रहा होगा मैं आप लोगों से ज्यादा बातें कर रहा हूँ, बट इन्हीं बातों के पीछे सारा ज्ञान है, बिकॉज आज के लेसन में मैं आप लोगों को कुछ नया नहीं सिखाने वाला हूँ। जो पिछले लेसन था उसी का मैं आप लोगों को एक अलग विजन से दिखाने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से सुनना। जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ये वर्थ है, वेस्ट नहीं है, बस सुनो, ठीक है? अभी आप लोगों को पहले ये चीज समझना जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल रिलेशन की नीड क्या है, बिकॉज जब तक आप लोगों को किसी चीज की नीड नहीं पता होती ना, तब तक आप लोग मोटिवेट नहीं होते उसको सीखने के लिए। बिकॉज हमारा जो वर्टिकल रिलेशन है उसमें भी हम लोग सारे गामा पादा नी सारे गामा पादा नी सारे गामा ये प्ले कर सकते हैं, तो क्यों हमें हॉरिजॉन्टली जाना जरूरी है ये समझना जरूरी है, ठीक है? पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कोई इंसान है, कोई ऐसा रिदम गिटारिस्ट है या फिर कोई पियानो है जिसमें आप लोगों के लिए एक रिदम प्ले रही लाइक दिस, बूम चक चक बूम चक चक बूम चक चक, और आप एज एन लीड गिटारिस्ट वहां पर खड़े हैं और आप लोगों को इम्प्रोवाइज करना है, तो आप लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जैसे स्लाइड मारते हैं आप लोगों को समझ में आता है, ओ शिट, मुझे स्लाइड नहीं मारनी थी, बिकॉज मैं एक शेप में प्ले कर रहा हूं, ठीक है? अभी तक जो भी मैंने नोट्स प्ले करे वो सारे मैं इस वाले शेप से प्ले कर रहा था, जो कि फर्स्ट वाला शेप होता था हमारा 3 नोट पर स्ट्रिंग का, बट जैसे ही मैंने स्लाइड मार दिया अब ये शेप से मैं बाहर निकल चुका हूं।
और अगर अब मुझे पता होगा कि हॉरिजॉन्टल रिलेशन क्या है तो मैं इसके आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ लाइक दिस। ठीक है, मैं कैसे पीछे आया, मेरे को कैसे पता चला यहाँ पर क्या प्ले करना है, मैं चाहूँ तो पीछे भी प्ले कर सकता हूँ। तो देखो मैंने कैसे यहाँ पर भी प्ले करा, यहाँ पर भी प्ले करा, यहाँ पर भी प्ले करा। इसका रीजन यही था कि मुझे पता था कि कौन से नोट्स कहाँ पर हैं, बिकॉज मुझे हॉरिजॉन्टल रिलेशन पता था। अगर मुझे वर्टिकल पता होता तो मैं पूरा जो भी सोलो मैंने प्ले करा वो इतने से बॉक्स में जैसे मैं प्ले कर रहा होता। और थ्री नोट पर स्ट्रिंग का रियल मोटो ये है कि हम लोग मूव कर सकें गिटार फ्रेटबोर्ड में, ना कि एक जगह प्ले करें, वरना बाकी हम लोग थ्री नोट पर स्ट्रिंग की जगह वो भी प्ले कर सकते थे। के सिस्टम 2-4-1-2-4-1-3-4, इसमें भी आप लोगों का बॉक्स वाला शेप होता है। क्यों हम ये यूज नहीं कर रहे हैं, थ्री नोट पर स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं और अपनी फिंगर्स को इतना वाइड कर रहे हैं जिससे कि हम लोग मूव कर सकें गिटार फ्रेट बोर्ड में। ये हमारा रियल हमारा मोटो होता है। और आप लोगों ने देखा कैसे मैंने मूव करके, मेरे को नहीं पता था कि क्या प्ले करना है। अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा मैं क्या प्ले कर रहा हूँ, बट सारे नोट्स जी के प्ले कर रहा था। मैं बैक भी गया बिकॉज मुझे पता है कि पीछे के रिलेशन क्या, आगे के रिलेशन क्या, और यही मेरे को आप लोगों को समझाना। सो इस एग्जांपल से आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ चुकी होगी कि हम लोगों को हॉरिजॉन्टल रिलेशन की जरूरत क्या है। जब हम लोग कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं तो हम लोग नहीं चाहते कि वो एक बॉक्स में हो, हम लोग चाहते हैं कि हम उसमें मूव करें, हम लोग पूरा फ्रेटबोर्ड यूज़ करें। इसलिए हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों की जरूरत पड़ती है रिलेशन में। अगर हम लोग नीचे को जा रहे हैं तो हम लोग वर्टिकल रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, अगर हम लोग आगे को बढ़ रहे हैं तो हम लोग हॉरिजॉन्टल रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद अगर हम लोग नीचे को जाते हैं तो हम लोग वहीं से वर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। अब जो हमारा पहले वाला लेसन था उसमें मैंने आप लोगों को ये तो समझाया था कि वर्टिकल रिलेशन क्या होता है। हम लोग जब भी वर्टिकली जाते हैं तो हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। अगर हम लोगों का थर्ड शेप है, ठीक है, अगर सोचो हम लोग थर्ड नोट से स्टार्ट करें, एफ मेजर स्केल के थर्ड नोट से स्टार्ट करें, तो हम लोग नीचे को कैसे आते हैं, थर्ड शेप प्ले करते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग प्ले करते हैं सेकेंड शेप, और फिर हम लोग प्ले करते हैं फर्स्ट शेप। तो बेसिकली हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, 3-2-1। अगर हम लोग को फोर्थ नोट से आना है तो 4-3-2, 5-4-3, 6-5-4, 7-6-5, डिक्रीजिंग ऑर्डर। वर्टिकली जब भी हम लोग डाउनवर्ड्स जाते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट शेप में हैं तो हमें पता है कि फर्स्ट के बाद सेवंथ आएगा, बिकॉज हम लोग डिक्रीजिंग में जा रहे हैं, वन से पहले सेवन है और सेवन से पहले सिक्स है। अब ऐसा कोई रिलेशन अगर हमारे पास वर्टिकली मतलब हॉरिजॉन्टली आ जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा। जब हम लोग शिफ्ट करेंगे तो हम लोग को पता होगा कि हम लोग नेक्स्ट शेप में आ चुके हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट शेप में होते हैं यहाँ पर और हम लोग एक नीचे वाली स्ट्रिंग में चले जाते हैं तो हमें पता चल जाता है हम लोग सेवंथ शेप में आ चुके हैं, उसके दो स्ट्रिंग नीचे ले आते हैं तो हम लोग को पता होता है सिक्स शेप में जा चुके हैं। अगर हम लोग को ऐसे हॉरिजॉन्टली भी पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब जैसे अगर आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो एक स्ट्रिंग में स्केल बसता है वो कैसे बसता है, 1-2-3-4-5-6-7-8 सारे गामा पधनी सा, हमारे पास सेवन नोट्स होते हैं किसी भी स्केल में। तो हम लोग फर्स्ट नोट प्ले करें, सेकंड नोट प्ले करें, थर्ड नोट प्ले करें, फोर्थ नोट प्ले करें, फिफ्थ नोट, सिक्स नोट एंड सेवंथ नोट, और वापस से एट्थ नोट आ जाता है आप लोगों का फर्स्ट वाला नोट। तो जब हम लोग ये नोट्स प्ले कर रहे हैं अगर हम लोग इनके हिसाब से शेप्स प्ले करते हैं तो फर्स्ट नोट से हम लोग प्ले करते हैं फर्स्ट शेप, उसके बाद नीचे को अगर हम लोग चार स्ट्रिंग्स को भूल जाएं कुछ देख ले तो फर्स्ट स्ट्रिंग से हम लोग फर्स्ट शेप प्ले करते हैं, सेकंड स्ट्रिंग से हम लोग सेकंड शेप प्ले करते हैं, थर्ड स्ट्रिंग से थर्ड शेप, फोर्थ स्ट्रिंग से फोर्थ शेप, फिफ्थ स्ट्रिंग से फिफ्थ शेप, सिक्स्थ स्ट्रिंग से सिक्स्थ शेप एंड सेवंथ स्ट्रिंग से सेवंथ शेप। तो बेसिकली यही मैं प्ले कर रहा था जब मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को हॉरिजॉन्टल रिलेशन दिखाया था एफ मेजर स्केल का, बिकॉज हम लोग फर्स्ट जो नोट है उसे फर्स्ट शेप प्ले करें, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड, फोर्थ से फोर्थ, फिफ्थ से फिफ्थ, सिक्स से सिक्स, सेवंथ से सेवंथ शेप। अगर आप लोग अब ध्यान से देखें तो हम लोग बेसिकली जब हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव कर रहे हैं। तो हम लोग नीचे को जाते थे तो हम लोग कैसे प्ले करते थे, 1-7-6, बट अब यहाँ पे हम कैसे प्ले कर रहे हैं, 7-6-1, मतलब 1-2-3-4-5-6-7-1, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बस आप लोगों को इस इंक्रीजिंग ऑर्डर और नीचे को डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों को मिक्स कर देना है, एक दूसरे के साथ यूज़ करना है, तो आप लोगों का काम हो जाएगा, आप लोग फ्रेटबोर्ड फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सॉन्ग है जो कि आप लोगों का थर्ड जो नोट है उससे नीचे को जा रहा है, ठीक है, जैसे कि हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड इस थर्ड नोट से नीचे को जा रहे हैं, हम लोगों ने प्ले करा, हम लोगों को पता है सेकंड शेप लगेगा और सेकंड शेप से एकदम हम लोग स्लाइड मार देते हैं, हम लोगों ने एक फ्रेट आगे स्लाइड मार दिया। अब हम लोगों को नहीं पता कि ये जो नोट है किस शेप का है, बट आप लोगों को इतना पता है कि सेकंड शेप के बाद जो हमारा नेक्स्ट शेप आता है
हॉरिजॉन्टली वो हमारा थर्ड शेप आता है। तो बेसिकली हम लोग अभी थर्ड शेप में, अगर हम लोग यहाँ पर थर्ड शेप प्ले करें तो हमारा थर्ड शेप हो गए। और हम लोग को पता है थर्ड शेप के बाद नीचे आप लोगों को कौन सा शेप आएगा, सेकंड शेप। तो आप लोग नीचे को सेकंड शेप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहें इसके अगले नोट में स्लाइड मारना तो आप लोग आगे स्लाइड मारेंगे तो अब आप लोग फोर्थ शेप में पहुंच चुके हैं, बिकॉज थ्री के बाद फोर, फोर से अगर आप लोग आगे स्लाइड मारते हैं तो आप लोग फिफ्थ शेप में पहुंच जाएंगे, फिफ्थ से आगे स्लाइड मारते हैं सिक्स शेप में पहुंचेंगे, और सिक्स से आगे स्लाइड मारते हैं सेवन में पहुंचेंगे। अब ये स्लाइड किस हिसाब से माना है, स्लाइड मानना आप लोगों को ये देखिए कि किस शेप में आप हैं और नेक्स्ट शेप आप लोगों का क्या बनने वाला है। जैसे कि अगर आप लोगों का सपोज फर्स्ट शेप चल रहा है और आप लोगों ने स्लाइड मार दिया तो आप लोगों को ये तो पता है कि ये सेकंड शेप है, बिकॉज हमने एक आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। बट ये सेकंड शेप होने के लिए हम लोग कितना स्लाइड मारें, क्या हम लोग एक स्लाइड मारें या फिर दो स्लाइड मारें। अब आप लोगों को इतना पता है कि जो सेकंड शेप होता है उसका शेप कैसा होता है, अगर हम लोग यहाँ से फर्स्ट ले रहे तो सेकंड यहाँ से आएगा, ये होता हमारा सेकंड शेप। मतलब इस नोट से हम लोगों का ये वाले नोट में कितने का गैप है, दो फ्रेट का गैप। तो बेसिकली जब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट शेप प्ले कर रहे हैं तो हम लोग स्लाइड भी दो का मारेंगे, जिससे हम लोग अब बैक आते समय सेकंड शेप को डुप्लीकेट कर सके। अगर हम लोग सेकंड शेप में, और अगर हम लोगों को थर्ड शेप चाहिए तो हम लोग दो फ्रेट आगे नहीं मारेंगे, बिकॉज आप लोगों का जो थर्ड शेप है वो कुछ ऐसा होता है, और अगर हम लोग दो फ्रेट आगे मार देते हो तो हम लोग थर्ड शेप को नहीं प्ले करें, हम लोग कोई और ही शेप प्ले करें। तो हम लोग सिर्फ एक फ्रेट आगे मारेंगे और हम लोग अब थर्ड शेप में पहुंच गए। अगर आप लोग इससे फोर्थ शेप चाहते हो तो आप लोगों को फोर्थ शेप को पहले विजुलाइज करना पड़ेगा। आप लोग पहले के दो नोट्स भूल जाइए, अब अगले वाले नोट्स पे ध्यान दीजिए। टा 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 टा, ये फोर्थ वाला शेप होता है। तो बेसिकली इस शेप से जो थर्ड वाली शेप है, इस वाले शेप से अगर आप लोगों को फोर्थ वाली शेप बनाना है तो आप लोग दो फ्रेट आगे बढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों के जो लास्ट के दो नोट्स होते हैं वो दो फ्रेट दूर होते हैं फोर्थ वाले शेप में। फिफ्थ वाले फ्रेट में भी आप लोगों के दो फ्रेट दूर होते हैं, दा 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 दा, लास्ट के दो नोट्स पे ध्यान दो, ठीक है। थर्ड वाले में आप लोगों के कितने दूर होते हैं, लास्ट के दो नोट्स एक फ्रेट दूर है। तो आप लोग जब थर्ड शेप में जाना चाहते हो सेकंड शेप से तो आप लोग एक फ्रेट आगे स्लाइड मारोगे। अगर आप लोग बात करें जैसे सेवंथ शेप की, तो सेवंथ शेप में लास्ट के दो नोट्स कितने दूर होते हैं, दा 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 दा। तो आप लोग देख सकते हैं दो फ्रेट दूर है। तो इस हिसाब से आप लोगों को दो फ्रेट दूर स्लाइड मारना पड़ेगा सिक्स्थ वाले शेप से। अभी आप लोग जैसे सिक्स्थ वाले शेप में दा 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 दा, तो आप लोग दो फ्रेट आगे मारेंगे स्लाइड, जिससे आप लोग सेवंथ वाले शेप मार सकें, और सेवंथ वाले से आप लोग दो फ्रेट आगे मारेंगे तो आप लोग फर्स्ट वाले में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट से दो फ्रेट आगे स्लाइड मारेंगे सेकंड वाले में पहुंच जाएंगे, सेकंड से एक फ्रेट आगे मारेंगे तो थर्ड वाले में पहुंच जाएंगे, थर्ड से दो फ्रेट आगे मारेंगे तो फोर्थ वाले में पहुंच जाएंगे, और फिर फोर्थ से अगर आप लोग दो फ्रेट आगे मारते हैं तो फिफ्थ वाले में पहुंच जाएंगे, फिफ्थ से अगर आप लोग मारते हैं एक फ्रेट आगे तो आप लोग सिक्स्थ वाले शेप में पहुंच जाएंगे, और सिक्स से मारते हैं अगर आप लोग दो फ्रेट आगे तो आप लोग सेवन तक पहुंच जाते हैं। तो बस स्लाइड आप लोगों को देख के मानना है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रिलेशन को आप यूज करके पूरा सॉन्ग फ्रीली प्ले कर सकते हैं ऑल ओवर फ्रेटबोर्ड। अब ये एक ऐसी चीज नहीं है, विजन तो मैंने आप लोगों को दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सबको समझ चुके हैं, ये आप लोगों को प्रैक्टिकली खुद देखना पड़ेगा। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया कि हॉरिजॉन्टल रिलेशन में आप लोगों के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है। जब तक आप लोग खुद प्ले करके नहीं देखेंगे, जब तक आप लोग याद है जो मैंने आप लोगों के लिए प्ले करके आया ना, फर्स्ट नोट से फर्स्ट शेप, सेकंड नोट से सेकंड शेप, थर्ड नोट से थर्ड शेप, फोर्थ नोट से फोर्थ शेप, फिफ्थ नोट से फिफ्थ शेप, सिक्स्थ नोट से सिक्स्थ शेप, सेवन्थ नोट से सेवन्थ शेप, जब तक आप लोग इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि एक शेप से दूसरे शेप में पहुंचने के लिए हमें कितना स्लाइड मारना है। जैसे फर्स्ट शेप ये है, सेकंड शेप ये है, तो आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट वाला जो शेप था उसमें हम लोग यहाँ तक प्ले करते हैं और सेकंड वाले में हम लोग यहाँ तक प्ले करते हैं। तो अगर हम लोग को सेकंड वाला शेप चाहिए तो हम लोग इतना स्लाइड मारेंगे कि हम लोग सेकंड वाले शेप तक पहुंच जाते हैं। थर्ड वाले शेप में हम लोगों को एक फ्रेट आगे जाना होता है तो हम लोग थर्ड वाले शेप के लिए वैसे प्ले करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अब बेसिकली इसको तभी समझ पाएंगे जब आप लोग ये वाला जो मैंने आप लोगों को दो स्ट्रिंग में बताया इस वाले को जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को इतना समझ आ चुका है इसको कैसे प्ले करना है, फर्स्ट नोट से फर्स्ट शेप मारो, सेकंड नोट से सेकंड शेप मारो, थर्ड नोट से थर्ड शेप मारो, फोर्थ नोट से फोर्थ शेप मारो, फिफ्थ नोट से फिफ्थ शेप मारो, सिक्स नोट से सिक्स शेप मारो, सेवन नोट से सेवन शेप मारो, और एट नोट से वापस से मतलब फर्स्ट नोट से फर्स्ट शेप मारो। तो ऐसे करके आप लोग इसको वर्टिकली जो हॉरिजॉन्टली है प्ले कर पाएंगे, और वर्टिकली आप लोगों को पहले से पता होगा अगर आप लोगों ने थ्री नोट स्ट्रिंग करी है, नहीं करी है तो ये लेसन आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यही था आज का लेसन, होप करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक मार देना, और अगर कोई कन्फ्यूजन है और ज़्यादा ही भयंकर कोई कन्फ्यूजन है तो अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इस पर एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जो सिर्फ थ्री नोट पर स्ट्रिंग का Q&A का होगा। तो अगर आप लोगों को उसमें कोई और क्वेश्चन ऐड करने हैं तो इस वीडियो के नीचे
लिख देना, ठीक है। और ये लेसन सुनना है तो भी लिख देना, जिससे मैं आप लोगों को हल्का सा और समझा सकूँ नेक्स्ट लेसन में। बट बेसिकली आप लोगों को बस इतना ध्यान देना है कि हॉरिजॉन्टली जो आप लोगों का रिलेशन है वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर, वर्टिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले लेसन में। तब तक बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। बाय बाय।